Let's find job. कि अपने YouTube चैनल Let's Find Jobs में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि BCom सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन चालू है दोस्तों MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट का ग्रुप नंबर फर्स्ट मतलब पेपर नंबर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अपने दोस्तों चैनल पर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत तीनों सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन डल चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन तीनों सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आंसर आते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे अभी क्लियर इनके आंसर नहीं पता है। जैसे ही मुझे पता चलते हैं दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके सॉल्यूशन डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स फाइंड जॉब के नाम ही से है दोस्तों, तो आप उसे ज्वाइन करके जरूर रखें। तो पहले दोस्तों आप क्या करें, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख लें, इसके लिए जगह छोड़ दें, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों आप पहले इनके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेना, उसके लिए जगह छोड़ देना, मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखना, मैं वहाँ सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं दोस्तों आपके, ये हैं आपके क्वेश्चन, तो मैं आपको दोस्तों क्रम से इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिएगा। दोस्तों ये है आपके बीकॉम द्वितीय वर्ष का मैनेजमेंट ग्रुप का पेपर नंबर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव आंसर दोस्तों अभी नहीं मिले हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें लेट्स फाइंड जॉब के नाम से दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोस्तों वहां मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा इनके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है, इसमें लिखा भी हुआ है दोस्तों सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके आंकड़ों का संग्रह प्रदर्शन वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु अवयव तंत्र समुदाय से संबंधित आंकड़ों संग्रह विश्लेषण व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दो कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक तीन दोस्तों, आपसे प्रश्न क्रमांक तीन पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या क्या अभिप्राय है, ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीन है, ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से तात्पर्य औसत मान से होता है। सांख्यिकी में औसत का अर्थ ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लगाया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का सिस्टम प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक तीन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है काल श्रेणी, प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों आपका, ये काल श्रेणी विश्लेषण क्या है, ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक चार, इसका आंसर ये दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपका है समय के क्रमागत बिंदुओं के अनुसार किसी चर के क्रमबद्ध मूल्यों को काल श्रेणी कहते हैं। वर्नर्स हिल के अनुसार काल श्रेणी विश्लेषण का एक मुख्य उद्देश्य भावी घटनाओं की गतिविधि का यथार्थ अनुमान लगाने के लिए आर्थिक तत्व में होने वाली परिवर्तन को समझाना निर्वचन करना एवं मूल्यांकन करना है। दोस्तों आपको इसमें पेज क्रमांक जो दो लिखा है ये नहीं लिख रहा है। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक पाँच, तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक पाँच, इसमें सह संबंध और प्रतिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको सह संबंध और प्रतिगमन में अंतर स्पष्ट करना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों आपका अंतर दोनों में पॉइंट वाइज पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक पाँचवें का आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक पाँच कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक छः दोस्तों, प्रश्न क्रमांक छः में दोस्तों आपका कि समय उत्क्राम्यता से आप क्या समझते हैं, तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक छः, समय उत्क्राम्यता तक से आप क्या समझते हैं, ये इसका आंसर दोस्तों, इस परिभाषा दी है एक परिरक्षण जिसका उपयोग स्वयं सिद्ध दृष्टिकोण के तहत किया जा
सकता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि यदि दो अवधियों में कीमतें और मात्राओं की तुलना की जाती है तो परिणामी मूल्य सूचकांक मूल मूल्य सूचकांक का पारस्परिक है। ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां का आंसर है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट रीनोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के आवश्यक गुण क्या है, संगणकों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो ये है इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। प्रश्नावली का महत्व अथवा गुण अथवा लाभ सब एक ही चीज़ हो जाती है दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। विशाल जनसंख्या का अध्ययन दूसरा है, कम खर्च तीसरा है, शीघ्र सूचना है। फिर इसके आगे आपका चौथा है सुगमता, पाँचवा है स्वतंत्र प्रमाण सूचनाएँ। और फिर दोस्तों आपका छठवां पॉइंट हो जाता है स्वयं प्रशासनिक। फिर सातवां पॉइंट है स्वतंत्र निरपेक्ष एवं प्रमाणित सूचनाओं का संग्रह। आठवां है स्वप्रशासनिक। तो दोस्तों आप इन्हें क्रम से नोट करते चलिए। इसके आगे ये है आपका दोस्तों आठवां पॉइंट। फिर नौवां पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण संभव। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का भी कुछ मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला है। अगर दोस्तों मुझे मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप दोस्तों से ज्वाइन करके जरूर रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों आपसे पूछा गया है, अब किरण मापने की प्रमुख रीतियों को बताइए, उसके तुल्यात्मक लाभों को भी बताइए। तो ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये अपकरण की माप दोस्तों, अपकरण के निम्नलिखित दो माप हैं, निरपेक्ष माप सापेक्ष माप, इनका दोस्तों विस्तार से वर्णन भी दिया है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर आपको दोस्तों इसके आगे इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर अपकरण को ज्ञात करने की विधि बतानी, तो ये दोस्तों आंसर इसका, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों इसी प्रकार की तालिका बना लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो रहेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 में का मुझे क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों आप टेलीग्राम में इसका डाल दूंगा, इसके लिए आपके ढूंढा जा रहा है। अगर मुझे मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दोस्तों आपसे पूछा गया है, निर्देशांक की विशेषताएँ एवं सीमाएँ बताइए, एक निर्देशांक के निर्माण की समस्या क्या है। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11वां, इसका आंसर ये दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। सूचकांकों की सीमाएं, इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, फिर आगे इसके आगे आपको इसे लिखना है। मैं आपको दोस्तों दिखाता जा रहा है इसका सॉल्यूशन, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिएगा। इसके आगे आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का मैनेजमेंट ग्रुप फर्स्ट का पेपर का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और दोस्तों आप इसी प्रकार से आगे और भी वीडियो चाहते हो, तो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी, जैसे दोस्तों अभी मैनेजमेंट सेकंड की आएगी, अकाउंटिंग की आएगी, तो दोस्तों आपको उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, वो भी आपकी तरह
मैनेजमेंट का पेपर नंबर फर्स्ट आसानी से कर सकें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी और आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए दोस्तों आप चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।